सहयोगी नीतीश चंद्र और अधिक अपडेट के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, देखिए बिहार की राजनीति को आप बेहद करीब से समझते हैं। एक तरफ जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा भले ये कह रहे हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है, गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि भविष्य में कोई कुछ नहीं चाहता। दूसरी तरफ आरजेडी के जो लीडर्स हैं वो भी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जो अटकलें लग रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है, उससे बहुत कुछ तस्वीर साफ भी हो जा रही है। नीतीश, आपको आवाज मिल रही है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल तस्वीर साफ है, अब इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है और ये लगभग साफ हो चुका है कि आज बिहार में एक बड़ा सियासी उलटफेर होगा। गठबंधन, एक नया गठबंधन सामने आएगा और कह सकते हैं कि एक औपचारिकता ही मुझे नजर आ रही है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है, कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, उनके आवास पर सारे विधायक जुटे हुए हैं। 16 विधायक अभी तक जुटे थे जब मैं वहां पर था, 19 कुल विधायक हैं और ये सारे विधायक बैठक करने के बाद अभी राबड़ी देवी के आवास पर जाएंगे और उनका, अजीत शर्मा का ये कहना है कि ये महागठबंधन की बैठक होगी, सिर्फ आरजेडी की बैठक के बाद महागठबंधन की बैठक होगी। तो बैठकों का जो सिलसिला है वो चलेगा और मैं अभी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर हूँ। हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं, ये मुख्यमंत्री आवास जहाँ पर जेडीयू विधायकों की बैठक होनी है और इसी बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या कुछ करना है। हालांकि एक औपचारिकता होगी, नीतीश कुमार इस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं और ऐसे में जो फैसला लेना है नीतीश कुमार ले चुके हैं, लेकिन इसी मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग में बैठक होगी और उसके बाद फिर आगे क्या बैठक में फैसला हुआ ये बताया जाएगा। अच्छा नीतीश, लेकिन जो बातें निकल कर आ रही हैं, जिसको आप भी जानते हैं कि जो आरजेडी की ओर से नाम तो नहीं बता रहे लेकिन उनके जो बड़े नेता हैं वो मतलब ऑफ द कैमरा ये बता चुके हैं कि सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है, बात सिर्फ इस पर फंसी हुई है कि आखिरकार कमान किसके हाथ में रहने जा रही है। जी हाँ, निश्चित रूप से ये सारी बातें हैं अभी, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी, माना जा रहा है उन सारी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है और तेजस्वी यादव निश्चित रूप से ये चाह रहे थे कि उनकी एक बड़ी भूमिका हो, अहम भूमिका हो, लेकिन अब चूंकि आज अंतिम समय है, बैठकों का समय है और इसमें माना जा रहा है कि ये सारी जो समस्याएँ थी, जो कौन क्या बनेगा, किसे क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें सुलझा ली गई हैं, तो निश्चित रूप से अब सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि बैठकों के बाद आधिकारिक तौर पर क्या कुछ कहा जाता है, अलग अलग दलों की तरफ से, खासतौर से जेडीयू की तरफ से क्या बातें आती हैं, यदि वो गठबंधन को छोड़ रहे हैं तो इसकी वजह क्या है, ये सारी वजहें बताई जाएंगी। ललन सिंह ने पहले ही इशारा कर दिया था कि किस तरह से साजिश रची जा रही थी और बीजेपी का नाम तो नहीं लिया लेकिन जो बातें कहीं उससे बिल्कुल साफ था, तो ये सारी बातें रखी जाएगी, एक आधार बताया जाएगा कि आखिर हम क्यों गठबंधन छोड़ रहे हैं, हमारी क्या परेशानी है, और ये सारी बातें जब आएंगी उसके बाद फिर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है इसका भी इंतजार होगा, क्योंकि अभी बीजेपी, आपने बीजेपी का जिक्र किया लेकिन बीजेपी को लेकर भी हम आपसे जरा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कांग्रेस के विधायक दल के जो नेता है अजीत शर्मा ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की बैठक होगी और क्या कहा उन्होंने, सुनाते आपको। कल आप गए थे तेजस्वी यादव से मिलने, क्या बात हुई? यही बात हुई कि हम लोग आज बैठक करेंगे, सब लोग मिलजुल कर तय करेंगे क्या करना है। करना साफ है, अगर माननीय नीतीश कुमार जी आते हैं हम लोग वे स्वागत करेंगे उनका, बिहार के विकास के लिए, महंगाई रोकने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, जीएसटी जो भी गरीबों को लगा है उसको रोकने के लिए। तो जानकारी मिल गई होगी, आपकी तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है, क्या नीतीश कुमार ने ये फैसला ले लिया है कि वो एनडीए को छोड़ रहे हैं? बातचीत से तो लग रहा है कि वो छोड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, वो काम करने वाले व्यक्ति हैं और हम लोग उनके नेतृत्व में चाहेंगे कि महागठबंधन की सरकार बने, वो अभी हम लोग बैठक में तय करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये मेरा मानना है अब भारतीय जनता पार्टी जो देश में बेरोजगारी बढ़ाई है, महंगाई बढ़ाई है, जीएसटी अभी गरीबों और लोअर मिडिल क्लास लगाई, इसको रोकने के लिए हम लोग को एकजुट होना। अभी जो बैठक होगी लालू यादव के आवास पर, वहाँ कांग्रेस के नेता भी पहुंच रहे हैं? सभी लोग, सभी विधायक टोटल। अच्छा। राजद के सभी विधायक, कांग्रेस के सभी विधायक, जो महागठबंधन है हम लोग। और हमारे सहयोगी नीतीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, अभी आपने ही बातचीत की थी, कांग्रेस के नेता ने कहा कि महागठबंधन की बैठक है, अगर नीतीश आते हैं उनका स्वागत किया जाएगा और फिर आगे तय किया जाएगा करना क्या है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के लिए यह सब कुछ इतना आसान होने वाला है?
लगता है आवाज़ नहीं पहुंच रही नीतीश के पास। नीतीश, हम आपके पास फिर से लौटते हैं जैसे आपको हमारी आवाज़ मिल पाती है, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस वक्त आपको बता दें हलचल बहुत तेज है। इस वक्त आरजेडी के जो तमाम विधायक एक एक करके तेजस्वी यादव के घर पर पहुंच रहे हैं, जब उनसे सवाल किया जा रहा है तो साफ वो इनकार कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे। उनका कहना है कि ये पार्टी की एक मीटिंग है, इंटरनल मीटिंग है, कुछ रिपोर्ट है जिसको हम सौंपने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेता ने खुलकर यह बता दिया अजय शर्मा ने कि इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर पटना में इस वक्त महागठबंधन के जो घटक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे उसमें आरजेडी हो, और जबकि उसमें एक्स यानी कि जेडीयू कभी रहा हो वो भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस और आरजेडी के जो विधायक इकट्ठा हो चुके हैं वो एक साथ आएंगे। अब ये देखना है कि किस तरह से जेडीयू उसमें शामिल होता है। अब जरा नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार टोटल देखिए इस वक्त 243 सदस्य होते हैं बिहार के विधानसभा में, लेकिन एक आरजेडी के विधायक की मौत के बाद अब 242 का टोटल फिगर है। इसमें आरजेडी के खाते में 79 है, बीजेपी के साथ 77 उनके विधायक हैं, जेडीयू के 45 हैं, कांग्रेस के 19 है, और इसमें आपको बता दें कि अगर बात करते हैं सीपीआईएमएल की तो उनके पास करीब 12 हैं, और साथ ही साथ जो सीपीएम है सीपीआई के पास वहां पर 4 है, तो कुल 16 हो गए। तो कम्युनिस्ट जो है लेफ्ट के पास 16 हो गए, प्लस आपको बता दें कि एआईएम के भी एक विधायक है, हम के भी इसमें कुछ है, तो टोटल जो अगर आप देख लेते हैं टैली अगर आती है तो वो हाफ वे मार्क के लिए आपको चाहिए 121, और अगर 79 और साथ ही 45, 19 और इसमें लेफ्ट को भी जोड़ दिया जाए 16, तो आराम से जो महागठबंधन जिसे कहा जा रहा है यानी कि आरजेडी जेडीयू अगर मिलकर साथ आते हैं, कांग्रेस मिलकर साथ आते हैं, तो बहुमत का आंकड़ा पार कर लेते हैं। लेकिन अब यह देखना है कि जब यह फैसला लिया जाएगा, जेडीयू जब यह फैसला लेती है, अगर नीतीश कुमार फैसला लेते हैं कि मैं आरजेडी या महागठबंधन में जाऊंगा, तो ऐसे में जो पार्टी के अंदर खाने में भी कहीं ना कहीं एक हलचल होगी जिसका जिक्र कहीं ना कहीं दबी शब्दों में आरसीपी सिंह कह चुके हैं, क्या वो टूट वो नजर आएगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। नहीं, अभी तो आरजेडी की बैठक है या नहीं, हम तो मिलने जा रहे हैं। ललित जी एक बात बता दीजिए, ललित जी एक बात बताइए, जो भी होगा आपको आप लोगों को सब जानकारी मिल जाएगी, अभी तो हम लोग मिलने जा रहे हैं। मंगल मंगलमय होगा, होना चाहिए, चाहते हैं, चाहते हैं, बिल्कुल सब आप चाहते हैं कि नीतीश जी बीजेपी से अलग हो जाएं? नहीं, जो भी होगा वो सब जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। यादव इंडिया टीवी, हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।